नमस्कार, आज हम राकेश जी चौधरी के पास आए हैं और आप विनायक हर्बल जो एक कंपनी है वो चलाते हैं और किसानों से मेडिसिनल प्लांट के बारे में चर्चाएं, उनका मोटिवेशन और उनकी आय दुगनी करने का कार्य भी आप करते हैं। चूंकि किसानों की आय दुगनी करने का संकल्प तो हमारी भारत सरकार ने भी लिया है और यहाँ पर जब हमने राकेश जी से बात की तो ये कहते हैं दुगनी नहीं ढाई गुना जो है वो हम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ संसाधन है, कुछ चीजें हैं जिनके लिए किसानों को जागरूक होना पड़ेगा और इसी विषय में आज हम राकेश जी के पास है। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है। तो राकेश जी, क्या सूत्र है आपका किसानों की आय ढाई गुनी करने का? मनोज जी, किसान की आमदनी तो ढाई गुना नहीं बल्कि कह रहा हूँ और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है जी। बस उनको हमें एक रास्ता दिखाना है, उनको जागृत करना है जी कि आपके पास ऑलरेडी जो जो धन आपके आसपास में है जिनसे आपकी आमदनी बढ़ाई जा सकती है, उनके प्रति उनको जागरूक करके और उनको मार्केट सुनिश्चित कर दिया जाए तो किसान की आमदनी स्वतः ही दो गुना या ढाई गुना बढ़ जाएगी, जो कि हमारी सरकार का एक मिशन भी है कि हमें 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना है जी। तो आप किस बात पे फोकस मानते हैं कि इन बातों पे फोकस करें तो किसान जो है वो वाकई में अपनी आय को बढ़ा सकता है? देखिए, मेरे को आज 18 साल होने को है औषधीय क्षेत्र में। जब मैं 17 साल का था तब मैं खेती पढ़ाई के साथ साथ करना शुरू कर दिया था। मैंने शिक्षा और खेती दोनों का समावेश किया। लोग कहते हैं कि खेती करनी है तो पढ़ना क्यों, बल्कि मैं कहता हूँ कि पढ़ना है तो खेती पढ़ के ही खेती करें। अगर आपको खेती धर बनना है, आपको किसान बनना है, तो आपको निश्चित तौर पे पढ़ाई करनी ही है जी। क्या एक अशिक्षित ही किसान बन सकता है? नहीं, शिक्षित भी किसान बन सकता है। वो अपना भला बुरा तभी जानेगा जब वो शिक्षित होगा। और अब बनने भी लग गए जी। और बहुत सारे युवा वर्ग मैंने देखा है कोविड काल में, बहुत लोग जॉबलेस हुए हैं, वो खेती की तरफ आ रहे हैं और दूसरा उनका जागरूकता भी बड़ी है खेती के प्रति। और मुझे जहाँ तक मैं अंदेशा, जो मेरा आइडिया है, अभी इस वर्ष 2021-22 में खेती का रकबा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अर्बन से रूरल की तरफ आ रहे हैं, वापिस अपने मतलब कि रिवर्स माइग्रेशन का काम हो रहा है। जो लोग शहरों में जा चुके थे जॉब के लिए, वो वापिस अपने खेतों की तरफ लौट के आ रहे हैं जी। विषय है कि कैसे किसानों की आमदनी को ढाई गुना किया जाए। तो मेरे अनुभव जो मैंने 17 साल में देखा है, मैं मेरा निजी विचार आप लोगों तक बताना चाहूँगा कि किसान की आमदनी बढ़ाने के तीन ही सूत्र हैं, इसके अलावा चौथा कोई जरिया नहीं है। किसान की आमदनी के लिए सबसे पहला जो सूत्र है वो ये है कि उनके आसपास जो वनस्पति धन है, मैं प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली सभी तरह की वनस्पतियाँ या पेड़ पौधों को वनस्पति धन बोलता हूँ जी, धन ही है। हाँ, वो वनस्पति धन जिससे कि किसान की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है जी, उसकी ठीक से मार्केटिंग की जाए जी, डेवलपमेंट उसी को कहते हैं। दूसरा उसका जरिया हो सकता है लाइव स्टॉक, यानी कि जीव जंतु धन, मैं उसको जीव जंतु धन के नाम से यहाँ पे कहना चाहूँगा जी। और तीसरा किसान की आमदनी का सोर्स हो सकता है वो प्राकृतिक संसाधन जी। ये तीन ही मुख्य किसान की आमदनी के जरिए हो सकते हैं जी। मैं सब्सिडी या लोन और उन सब चीज़ों की विरोधी नहीं हूँ, वो बिल्कुल किसान वो सहायक होते हैं, लेकिन वो सहायक होते हैं, मूल नहीं हो सकता। हाँ, आपका लक्ष्य है कि आपको विनायक हर्बल पहुंचना था, आप चुरू से आपने यात्रा शुरू की, आपका लक्ष्य विनायक हर्बल पहुंचना था। माध्यम आपकी बस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ट्रेन हो सकती है या किसी के द्वारा उपलब्ध करवाया जा सकता है, आप किसी से लिफ्ट लेकर के, लेकिन आपको आना विनायक हर्बल जी, जी। तो हमारा लक्ष्य है किसान की आमदनी बढ़ाना, तो उसमें सहायक और क्या क्या विभाग और कौन कौन से सब्सिडी या कौन कौन से लोन या क्या क्या योजनाएं हो सकती है वो अन्य विषय है। वनस्पति धन की बात करें तो वनस्पति धन में जैसे गेहूं है, बाजरा है, जो परंपरागत हमारे जो होता है, हमारे जैसे अपना चावल मुख्य फसल है, चना, सरसों, क्या ये वनस्पतियां नहीं है? निश्चित तौर पे यही वनस्पतियां ही है। ये जो पहले धन हो गया जो किसान लेता है, बिल्कुल। देखिए, पहले आज से पहले आदिकाल में गेहूं या चावल हमें हमारे जो पूर्वज थे उनको कहीं ना कहीं ये पेड़ पौधा मिला होगा, उन्होंने उसको चखा होगा, उनको वो टेस्ट लगा होगा, तो उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया, फिर उनको संकलित करना शुरू किया होगा, फिर उनको जो है बोना शुरू कर दिया होगा। तो इस तरह से ये कार्य आगे बढ़ा।
हम मानव प्रवृत्ति ये है कि हम जिस चीज को ज्यादा हमारे लिए उपयोगी होती है उस पर फोकस करते हैं, अनुपयोगी चीजें धीरे धीरे अनुपयोगी ही रहती है। जैसे डार्विन का सिद्धांत बोला गया कि जो चीज काम की है उस पर फोकस ज्यादा रहता है वो ज्यादा ग्रोथ करता है, और जो वस्तु या जो इंसान के शरीर के कोई अंग या किसी भी प्रकृति में कोई ऐसी होगी वो धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पे पहुंच जाएगी। जिराफ की गर्दन लंबी इसलिए बड़ी क्योंकि वो उसको पेड़ की पत्तियां टहनियां खाने के लिए उसको लंबी गर्दन चाहिए होगी, और हमारी पूंछ इसलिए खत्म होगी क्योंकि उसकी कोई उपयोगिता नहीं थी। पशुओं के लिए कान बड़े इसलिए क्योंकि उसको उसकी उपयोगिता रहती है। ठीक ऐसे ही खेती में भी डार्विन का सिद्धांत लागू हुआ, जिन पे जिनसे हमें आमदनी मिल रही थी हमने खेती उसी को माना जिसमें हमारी लागत लग रही है, जिसमें हम सिंचाई निराई गुड़ाई और मेहनत और बीज और पैसा लग रहा है, हम खेती उसी को मानते हैं, बाकी वनस्पतियां हमारे लिए अनवांटेड स्पीसीज हो गई है। बल्कि ऐसा नहीं है, सभी वनस्पतियां, गेहूं भी उन्हीं में से एक है, आपका बाजरा मक्का भी उन्हीं में से एक है, सभी वनस्पतियां किसान के लिए उपयोगी कैसे हो सकती है इस पे हमें ध्यान देना होगा। योजनाकार सलाहकार जो हैं, जो किसान की आमदनी को डबल करना चाह रहे हैं, उन लोगों को भी फोकस करना पड़ेगा। केवल पपीते के पेड़ पे, पपीते के फल पे ध्यान नहीं देना है, उसके पत्ते तना मूल से क्या आमदनी हो सकती है किसान के लिए। हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप में आप देखिए चावल का केवल दाना, बाकी का पराली वो जलाऊ जलाते हैं लोग, उसको फिर उससे कंट्रोवर्सी होती है। गेहूं का दाना बाली में से जो दाना निकलता है उसके अलावा कोई चीज़ पे फोकस नहीं है। टमाटर का पौधा है उसमें टमाटर के बाद बाकी का पौधा है वो यूजलेस है। मिर्ची में ऐसे ही आप देखिए कि आलू के नीचे कंद काम में है, बाकी का ऊपर का पौधा यूजलेस है, बल्कि आलू के पौधे की आयुर्वेद में बहुत अच्छी डिमांड है। तो किसान जो उसको वेस्ट समझ के फेंक रहा है वो वनस्पति धन है उसका, उसका यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है। पपीते के फल के बाद उसका बाकी जो बचा हुआ बायोमास है उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है, उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, उस पर ध्यान दो तो वनस्पति धन में मैक्सिमम आप प्रोडक्शन ले सकते हो। किसान को उसके खेत में उगने वाले नीम के पेड़, अरडू के पेड़ और भी अन्य जो पेड़ उगे हुए हैं, या जो सीजनल ऐसी वीड उग जाती है जिनको पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड डाल के बल्क और खर्चा बढ़ाते हैं केमिकल वाले, और जो अपने दवाई विक्रेता उनके कर्जदार होते हैं और उनको ख़त्म करते हैं, उसकी बजाय उसको कलेक्शन सेंटर ऐसी जगह जगह बना दिए जाएं, अवेयरनेस जागृति प्रोग्राम चालू चलाए जाएं, उन सबको कलेक्ट करके और मार्केट सुनिश्चित किया जाए। तो आज को गोखरू अपने एक पहले विषय भी किया तो बात भी की थी, इस बार गोखरू 17,000 रुपए क्विंटल पहुंच के गया है, 17,000 रुपए क्विंटल बाजार में, हमारे बाड़ों के आसपास ऐसे ही उगता है जी। और छोटे गोखरू जो भाकड़ी है जो गायों को देते हैं जी वो भी है। तो आप अभी अपने जो आप कह रहे हैं कि विनायक हर्बल और हम वनस्पतियों पे काम कर रहे हैं, तो क्या आपका जैसे रहता है, कैसे आप किसानों से जुड़ते हैं, और जो आप आय दुगनी करने की ढाई गुना करने की बात कर रहे हैं, वो उनमें क्या क्या मुख्य ऐसी फसलें हैं जो हमारे क्षेत्र में होती हैं, जैसे एलोवेरा पे आपका मुख्य काम है, ऐसे ही और भी कोई फसलें हैं जो आप प्राकृतिक संसाधन के रूप में मानते हैं? देखिए किसान की आमदनी के लिए दो तरह की फसलें होती हैं, एक तो कलेक्शन और एक कल्टीवेशन। आयुर्वेद में केवल एक फसल जिसको खेती में बोई जाए उसको नहीं माना जाता, सच्चा आयुर्वेद स्टेक होल्डर फार्मर वही होगा जो कलेक्शन को भी उतना ही महत्व देता है जितना कल्टीवेशन। आप सही मायने में किसान तभी कहलाओगे जब आप अपने खेत में और अपने आसपास की वनस्पतियों का सही सदुपयोग कर रहे हो, उससे आप अर्थ कमा पा रहे हो, तभी आप सार्थक बन पाओगे। हम किसान को ट्रेनिंग जो देते हैं या हम जो किसानों को समझाते हैं उसमें हमारा मुख्य कारक यही रहता है कि आपको पैसा लगाना नहीं है, सबसे पहले आपको कलेक्टर बनना है, आपको कलेक्शन करने वाला संकलनकर्ता बनना है। आप वनस्पतियों के प्रति जागृत होइए, वनस्पतियां खूब है, अथाह भंडार है, आप उन पर मत जाइए, लेकिन आपके आसपास में होने वाले 20-30 प्रकार की वनस्पतियां उनके बारे में आप अवेयर हो जाए, उससे आप आमदनी कमाएंगे। जितना पैसा आप खेत में खेती करके कमा रहे हो मेरा गारंटी है कि आप उतना पैसा आप कलेक्शन करके आसानी से, जैसे आपने एक पिछले वीडियो में उदाहरण दिया था कि मूंगफली के साथ नागर मोथा होता है वो साथ में कलेक्ट किया जा सकता है, ऐसे ही हमारे यहाँ साटा होता है, पुनर्नवा है, वो उसकी जड़ें बहुत है, गांव में पूछते हैं तो दो दो तीन तीन बोरी भी मिल जाती है लोगों के पास, वो भी है। गोखरू है,
अरना है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनको इकट्ठा किया जा सकता है। बिल्कुल। तो इसके लिए क्या आप ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं? जी बिल्कुल, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखते हैं हम, जागृति के प्रोग्राम गांव-गांव में जाकर के भी चालू कर रहे हैं अभी किसानों तक। यहाँ हमारे प्रतिदिन लगभग 100 से ज़्यादा किसान विजिट करने आते हैं, सीखने के लिए आते हैं। ये एक तरह से हमारा एक सोशल एंटरप्राइज है जिसमें हम किसानों को हर तरह की जागृति देते हैं। हम चाहते हैं कि किसान व्यापारी बने, जब तक किसान व्यापारी नहीं बनेगा तब तक इस भारत के किसान का भला नहीं होने वाला है। जी। दूसरा विषय था अपना जीव जंतु धन। जीव जंतु में वो रेशम का कीट पालक किसान जो रेशम का कीट पालता है, वो मधुमक्खी पालक किसान जो मधुमक्खी पाल के अपनी आजीविका चलाता है, कोई किसान गोट फार्मिंग कर रहा है तो कोई ऊंट फार्मिंग कर रहा है, कोई घोड़े पालता है तो कोई गधे पालता है, कोई गाय भैंस, कहने का मतलब जो लाइव स्टॉक मछली पालन भी उसका एक हिस्सा है। तो लाइव स्टॉक से भी किसान की आमदनी, केवल मात्र दूध बेच देना तक गाय पालन या भैंस पालन सीमित नहीं है। जी। किसान गाय या भैंस के दूध किसे क्या उत्पाद बना सकता है, प्राइमरी वैल्यू एडिशन उसका क्या कर सकता है कि उससे उसकी आमदनी और ज़्यादा बढ़े। दूध 25 से 30 रुपए लीटर जो बिक रहा है वो 50 या 100 रुपए लीटर कैसे उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, उस पर सरकार ध्यान दे। तो लाइव स्टॉक से किसान की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। और तीसरा है प्राकृतिक संसाधन, जो कि किसान के खेत में प्राकृतिक रूप से जो सौर ऊर्जा गिर रही है, किसान के खेत से गुजरने वाली हवा या किसान के खेत की मिट्टी, इनसे वो क्या आमदनी ले सकते हैं। ये तीन ही संसाधन हैं जिनसे किसान की आमदनी को आप 2.5 गुना 5 गुना या 10 गुना जितना मर्जी करिए। बस उसका मैनेजमेंट जो है वो होना चाहिए। आपने एक उदाहरण दिया था कि चूरू जिले के जो हमारे बिदासर गांव है या रतनगढ़ है, उस क्षेत्र में मूंगफली होती है, उसके अंदर भी एक जो है नागर मोथा होता है जो कि ऐसे ही जलाना पड़ता है उसको, उसको भी आपदा में अवसर जो है वो परिवर्तन करके और उसका अवसर बनाया और आज किसान जो है उससे भी आमदनी ले रहे हैं। सर आपदा को अवसर में बदलने के ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। जी। जब जागृति आती है तो किसान इन वनस्पतियों से कैसे पैसा कमा रहा है ये सब आपको देखने को मिलेगा। कुचामन बेल्ट में नीम और अड्डू से लोग कैसे आमदनी कर रहे हैं। बिदासर जो चूरू जिले का एक एरिया है, तहसील है बिदासर, वहाँ के आसपास के किसान कैसे जो बिल्कुल यूजलेस रोटंडस जो मोथा है उसका कोई उपयोग नहीं था, आज उससे कैसे आमदनी कमा रहे हैं। ये भी एक आपदा से ग्रे एरिया था जो जिसको कोई छूता उसको छूते भी नहीं थे, आज वो वेस्ट से वेल्थ की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। ये मेन बात है कि वेस्ट से वो वेल्थ की तरफ कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, कोई उपयोग नहीं था। ठीक ऐसे ही हजारों तरह की वनस्पतियां भारतवर्ष में है जिनका उपयोग सुनिश्चित हो जाए और मार्केट से लिंकअप हो गया तो किसान की आमदनी तो स्वतः ही बढ़ गई। सही बात है। तो ये जो संसाधन है इनका हमें उपयोग करना है और जो हमारे खेत में हो सकता है और जो हो रहा है उसका कलेक्शन और जो हो सकता है उसकी पैदाइश, ये दो चीजों पे। बिल्कुल मनोज जी, मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैंने 10 किसानों पे सर्वे किया, उन किसानों को माननीय मोदी जी द्वारा जो चलाई गई 2000 रुपये प्रति 3 माह, मतलब साल में 3-4 बार या 3 किस्त दी जाती है, 2000 सालाना 6000 रुपये किसानों को दिया जाता है, अभी उनके खाते में सीधा डीबीटी हो रही है। तो 6000 रुपये किसान के लिए बहुत मायने रखते हैं, किसान की दृष्टि से वो बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि किसान वो वर्ग है जब उसके घर में बिजली का बिल आया हुआ होता है और वो बिल भले ही 500 ही रुपये का हो लेकिन जेब में 1 रुपया नहीं होता, तो उस समय उसकी स्थिति बहुत विकट होती है, उसको मालूम होता है कि इसको बिल को कैसे भरना है। 6000 रुपये उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। मैंने 10 किसानों पर सर्वे किया जिन्होंने आज से पहले मोथे का कोई उपयोग नहीं किया था, उनके घर में ये मोथा बिकने के बाद प्रतिवर्ष 15 से 20 हजार रुपये की आमदनी उनके घर में आने लगी है। वेस्ट तो जो कि वेस्ट था, जिस वो 20 हजार रुपये सालों साल से कमा सकता था अगर वो मार्केट लिंकअप होता, लेकिन वो इस कारण से नहीं कमा पाया क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी मार्केट से नहीं थी। अब होते ही वो 15 से 20 हजार रुपये प्रति परिवार में अगर आमदनी आने लगी है, 6000 रुपये आने से उसकी स्थिति सुधर रही है, तो 15 से 20 हजार आने में कितना उसका आमूलचूल परिवर्तन उसमें उसके जीवन में आने वाला है, उसकी जो गरीबी रेखा या जो उसके जीवन स्तर वो कितना सुधरने वाला है। सही। उस दूसरी बात, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड
खरीद के उससे उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं। हम उन वीड जिनको वीड बोला जा रहा है उनको सही से उसका समाधान कर लेते हैं, उसकी मार्केट लिंकेज कर लेते हैं, तो हमें उन वीड को खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड नहीं लाना पड़ेगा, हमारी इनपुट कॉस्ट नहीं लगेगी, बल्कि लोग हम हाथ से उसका निराई गुड़ाई करेंगे तो एक तो मैन पावर को लेबर उनको रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ उससे हमें एक आमदनी का जरिया भी मिलेगा, अलग जरिया और हो गया, यानी एक ही क्रॉप में दो क्रॉप का फायदा जो है हमें मिले। तो ऐसे ही आपदा को अवसर में परिवर्तित किया जा सकता है, और ऐसे बहुत सारे विचार हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अब दीजिए इजाजत मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को और हमारे यहाँ पर विशेषज्ञ राकेश जी चौधरी, इनसे भी अब इजाजत लेते हैं। नमस्कार।